हेलो एवरीवन, चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम हीट एंड थर्मोमीट्री, यानी कि ऊष्मा और ऊष्मावीति। इसके कुछ टॉपिक्स हम देख चुके थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में हमें 5 टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, जिसमें से शुरू के जो 3 टॉपिक हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद एग्जाम्पल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये 3 हम पहले कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, और उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, जिसके अंदर हमें 3-4 टाइप स्पेसिफाई कर रखे हैं और उनके यूज हमें देखने हैं। आज का टॉपिक हम लेते हैं अपने लेक्चर में स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि तापमान के पैमाने और उनके संबंध आपस में। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देखने से पहले हम पहले एक बार टेम्परेचर को रिवाइज कर लेते हैं। अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर देख चुके हैं कि क्या होता है, एक बार फिर से समअप कर लेते हैं। तापमान जो है वो किसी भी वस्तु की उष्णता का माप होता है, यानी कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, ये जो चीज हम पता करते हैं या उसका जो मापन है वो तापमान की सहायता से किया जाता है। तापमान को हम कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। जिस वस्तु का तापमान कम होता है उसे हम कह देते हैं ठंडी वस्तु है, और जिसका तापमान ज्यादा होता है उसे हम कह देते हैं कि वो वस्तु गर्म वस्तु है। उसके अलावा हमने देखा था कि तापमान के जो मात्रक होते हैं वो सेल्सियस, केल्विन, रोमर, फॉरेनहाइट एटसेट्रा होते हैं। यानी कोई वस्तु है वो गर्म है या ठंडी है, इसका मापन करने के लिए तापमान का यूज किया जाता है। वो भौतिक राशि जो किसी वस्तु की उष्णता के माप को बताती है तापमान कहलाती है। कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, जिसका तापमान कम है वो ठंडी वस्तु होगी, जिसका तापमान ज्यादा है वो गर्म वस्तु होगी, और तापमान के जो मात्रक हैं वो सेल्सियस, केल्विन, रोमर, फॉरेनहाइट एटसेट्रा होते हैं। ये जो चीज है ये हम अपने फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें देख चुके हैं। अब देखिए टेम्परेचर के स्केल की जरूरत क्यों पड़ी। हमने अभी देखा कि कोई वस्तु है अगर वो गर्म है तो हम उसे कह देते हैं कि वो उसका तापमान कम है, और अगर वो वस्तु ठंडी है तो हम कह देते हैं कि सॉरी अगर कोई वस्तु गर्म है तो हम कह देते हैं उसका तापमान ज्यादा है, और अगर कोई वस्तु ठंडी है तो हम कह देते हैं उसका तापमान कम है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो वस्तुएं दी गई हैं उनके तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, और हम ये नहीं समझ पाते कि दोनों में से कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी गर्म है। यानी जब तापमानों में बहुत अंतर हो दो वस्तुओं के, तब तो हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। लेकिन अगर ये अंतर बहुत कम है तो हम टच करके नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी गर्म है, यानी उनके टेम्परेचर का अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तापमान को नापने के लिए एक स्केल बना लेते हैं। उस स्केल में जिस वस्तु का तापमान ऊपर आएगा यानी कि ज्यादा आएगा वो हम गर्म बता देंगे, और जिसका तापमान कम आएगा उसे हम ठंडी बता देंगे। इसलिए हमें स्केल ऑफ टेम्परेचर की, यानी कि तापमान के पैमानों की जरूरत पड़ती है। अब तापमान के पैमाने बनेंगे कैसे, तो होता क्या है कि जो हम तापमान का पैमाना बनाते हैं उसके लिए पदार्थ की 2 अवस्थाओं को आधार बनाते हैं जिन्हें हम इजीली प्राप्त कर सकें। यानी मान लीजिए कि हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी 2 स्टेट्स ले लीजिए जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो पानी के अंदर 2 स्टेट्स जो इजीली प्राप्त कर सकते हैं वो क्या होंगी, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी बॉइल होना शुरू होगा और उबलने लगेगा, और उसके बाद वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पानी को ठंडा करें तो क्या होगा,
पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और एट लास्ट जो है वो बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि जम जाएगा। कहने का मतलब पानी की जो दो इजीली प्राप्त अवस्थाएं हैं या फिर हम जो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो अवस्थाएं क्या होंगी, अगर हम उसे गर्म करें तो वो भाप बनने लगेगा और अगर हम उसे ठंडा करें तो वो जम जाएगा। ये ऐसी दो अवस्थाएं हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाली प्रोसेस शुरू हो गई है। इन दोनों केसेस में जैसे बर्फ जो है हमारी, जब बर्फ जमनी शुरू हुई तो उसे हमने कह दिया हिमांक या फिर आइस पॉइंट, और उबलते हुए पानी का जो मान है, उबलते हुए पानी का जो जल है उसका जो टेम्परेचर है उसे हमने कह दिया स्टीम पॉइंट या भाप बिंदु। ठीक है, यानी हमने क्या किया, कोई भी पदार्थ लिया, यहाँ हमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पानी को लिया है, और पानी की दो ऐसी अवस्थाएं हमें प्राप्त करनी है जो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें, अंतर कर सकें। तो मैंने एक कर दिया पानी को गर्म किया तो उसने उबलना शुरू किया, और दूसरा कर दिया कि पानी को ठंडा किया तो उसने जमना शुरू कर दिया। जहां जम रहा है उसे हिमांक कह दिया, जहां उबल रहा है उसे मैंने स्टीम पॉइंट या भाप बिंदु कह दिया। अब ये जो दोनों टेम्परेचर हैं, एक हिमांक का और दूसरा स्टीम पॉइंट का, इन तापमानों को अलग-अलग स्केल्स पर मैंने कुछ मान दे दिया अपनी इच्छा से। मैंने अपनी इच्छा से बोला है, इसका मतलब हमारी इच्छा नहीं है, जो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है उसके हिसाब से उन्होंने अपने मन से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू इनको दे दी। जैसे एक साइंटिस्ट ने कहा कि हिमांक जो है वो 0 डिग्री पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पानी जो जमना शुरू होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। मान लीजिए किसी और ने उसे कुछ और वैल्यू दे दी, 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय कुछ और वैल्यू दे दी, 100, 200, 300। कहने का मतलब ये जो दो टेम्परेचर थे इनको अपनी इच्छा से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है, और इन दोनों मानों का जो अंतर है उसे आप डिग्री कह देते हैं। अब जैसा हमने पहले देखा था, तापमान के मात्रक हमने देखे थे सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रोमर, केल्विन, वैसे ही तापमान के मापक के लिए जो आप उन्हें मात्रक कह रहे थे वैसे ही वो अलग अलग स्केल्स हैं, इसलिए तापमान के मापन के लिए कुछ स्केल्स यूज की जाती हैं जो कि आपने मात्रक के रूप में पहले भी देखी थी, वही यहाँ पे स्केल्स की तरह यूज होती है, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रोमर, केल्विन एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए जैसा हमने क्या देखा था, दो पॉइंट्स हमने किसी भी पदार्थ के लिए, जैसे पानी के लिए क्या लिए, हिमांक और भाप बिंदु, यानी कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अब देखिए और फिर आगे क्या देखा था कि उनको हमने स्वेच्छा से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस पैमाने में आपको दो पॉइंट्स, हमेशा हर प्रकार के स्केल में दो ही पॉइंट्स देखने हैं, कौन सा, हिमांक और भाप बिंदु। तो सेल्सियस पैमाने में हिमांक को कह दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप बिंदु को कह दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस 0 और 100 के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया। अब अगर 0 से 100 तक के मैं 100 बराबर भाग करूं तो एक भाग मेरा क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बात है। तो ऐसा जो स्केल है जिसमें हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे मैंने 100 बराबर भागों में बांट दिया, तो ऐसा स्केल मेरा सेल्सियस पैमाना कहलाता है और एक भाग जो है वो 1 डिग्री को बताता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल समझ में आया। उसके आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा या सेकंड टाइप है हमारा फॉरेनहाइट स्केल या फॉरेनहाइट पैमाना। तो जैसे हमने पहले किया, क्या करना है हमें, वही देखना है, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु। तो फॉरेनहाइट पैमाने में हिमांक को दे दिया वैल्यू हमने कि ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर जम रहा है पानी, और भाप बिंदु हमने कह दिया कि ये 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर निर्धारित कर दिया। यानी फॉरेनहाइट पैमाने में हिमांक कितना होगा, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और भाप बिंदु है हमारा 212 डिग्री फॉरेनहाइट।
और इन दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो अंतर है, उसे 180 बराबर भागों में बांट दिया। हर भाग को 1 डिग्री फॉरेनहाइट कहा जाता है। जैसे 32 और 212 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 180 मिलेगा, और इसे 180 बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए एक भाग हमें मिल गया 1 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर। ठीक है, यानी फॉरेनहाइट पैमाने में क्या होगा, हिमांक 32 डिग्री फॉरेनहाइट, भाप बिंदु 212 डिग्री फॉरेनहाइट, और कितने भागों में बांटना है, 180 भागों में। तीसरा हमारा आता है रोमर पैमाना, या जिसे र्यूमर पैमाना भी कहा जाता है। वंस अगेन हमें वही दो पॉइंट देखने हैं, एक हिमांक और एक स्टीम पॉइंट। तो हिमांक पॉइंट कितना लेंगे, इसके अंदर 0 डिग्री रोमर, और भाप बिंदु है वो हमारा 80 डिग्री रोमर माना जाता है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है या बीच की जो दूरी है उसे 80 बराबर भागों में बांटा जाता है, 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो यानी एक भाग कितने को बताएगा, 1 डिग्री रोमर को बताएगा, और हर भाग जो है वो 1 डिग्री रोमर कहलाता है। यानी रोमर पैमाने में क्या होगा, हिमांक है हमारा 0 डिग्री रोमर पे, और भाप बिंदु होगा हमारा 80 डिग्री रोमर पे, और कितने भागों में बांटना है, टोटल 80 भागों में बांटना है। नेक्स्ट हमारा आता है केल्विन पैमाना, या फिर केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने में भी हमें वही दो बिंदु देखने हैं, हिमांक कितना लिया जाता है, 273 केल्विन, और भाप बिंदु लिया जाता है 373 केल्विन, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, इसलिए एक भाग हमें 1 केल्विन का मिलता है। ठीक है, देखिए एक बार समराइज करते हैं, चारों जो स्केल हैं उसमें हमें सिर्फ दो बिंदु देखने हैं, हिमांक और भाप बिंदु, और इनको हर पैमाने के हिसाब से एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्वेच्छा से वैज्ञानिकों ने दे दी, हमें उसी वैल्यू को मान के चलना है, और उसके आगे आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आप हिमांक और भाप बिंदु के बीच का जो अंतर निकालेंगे, जो अंतर आता है उतने ही भागों में इस पैमाने को बांट दिया जाता है, और हर पैमाने में एक भाग जो है वो 1 डिग्री को बताएगा। अगर वो सेल्सियस पैमाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा, अगर वो फॉरेनहाइट पैमाना है तो 1 डिग्री फॉरेनहाइट को बताएगा, केल्विन पैमाना है तो 1 डिग्री केल्विन को बताएगा, र्यूमर पैमाना है तो 1 डिग्री र्यूमर को बताएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सेल्सियस पैमाने में हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट पैमाने में हिमांक है 32 डिग्री फॉरेनहाइट और भाप बिंदु है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, र्यूमर पैमाने में हिमांक है 0 डिग्री र्यूमर और भाप बिंदु है 80 डिग्री रोमर, केल्विन पैमाने में हिमांक है 273 केल्विन और भाप बिंदु है हमारा 300 केल्विन। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने चार स्केल्स यहाँ पर देखे हैं और चारों स्केल्स को ठीक से क्लियर कर लिया है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो अलग अलग टाइप के स्केल्स हमने पढ़ी हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। यानी हमने चार टाइप की स्केल देखी हैं, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रोमर और चौथा था केल्विन। अब अगर मुझे एक स्केल में मान पता है, जैसे बर्फ मेरी सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रही है, तो फॉरेनहाइट पैमाने में कितने डिग्री पे जमेगी, या फिर किसी टाइम की पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फॉरेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसा अगर कुछ मुझे देखना हो तो मुझे इन पैमानों के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यानी एक पैमाने से दूसरे पैमाने में अगर मुझे किसी मान को बदलना हो, जैसे आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, उसी टाइप से मुझे तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना हो
तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? इसके लिए मुझे इसमें रिलेशन पता होना चाहिए। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि c by 5 की जो वैल्यू होती है, c यहाँ पर है सेल्सियस पैमाने वाला, तो c by 5 की जो वैल्यू होती है वो f माइनस 32 बटे 9 के बराबर होती है और ये वैल्यू r बटे 4 के बराबर होती है और यही वैल्यू k माइनस 273 बटे 5 के बराबर होती है। कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो भी स्केल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या जिस भी स्केल में आपको क्वेश्चन में मान दिया गया है उस स्केल की जगह वो वाला मान रख दीजिए। जैसे अगर मुझे सेल्सियस में मान दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं सी की जगह 15 रख दूंगी। अगर मुझे फॉरेन हाइट में वैल्यू दी हुई है तो मैं एफ की जगह वो वैल्यू रख दूंगी। केल्विन में दी हुई है तो के की जगह वो वैल्यू रख दूंगी और जिस भी दूसरी प्रणाली में मुझे मान पूछा गया है उसका मान वहां पर नोट कर दिया जाएगा। एक और टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन ये वर्ड हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, ये आपको मिलेगा परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी इस एक चीज को हम और देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है, क्योंकि ये वर्ड आपको फिजिक्स में बहुत जगह सुनने को मिलेगा। देखिए होता क्या है, तापमान को जब हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं किसी भी तापमान को, तो उसकी कोई अधिकतम सीमा डिसाइडेड नहीं है, यानी कि कोई मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, या फिर आप 150 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि तापमान की कोई मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड नहीं है कि अधिकतम मान इतना हो सकता है उसका, लेकिन न्यूनतम वैल्यू जो है उसके लिए ये फिक्स किया गया है कि इस मान से कम मान हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये जो वैल्यू है ये हमारी मिलती है हमें -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान अभी तक हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। यानी तापमान की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो मान है इसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि तापमान को अधिकतम तो हम कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, अभी तक कोई सीमा डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन मिनिमम का जो मान है कि हम इससे नीचे का ताप अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो तापमान कहलाता है परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसे परम शून्य ताप क्यों कहते हैं, देखिए आप जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप जब केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको उसका मान मिलेगा -273 केल्विन। वो हमने राउंड ऑफ करके लिखा है फॉर्मूला में, एक्चुअली उसका मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी केल्विन के अंदर ये जो वैल्यू है ये 0 केल्विन की वैल्यू होती है, तो इससे नीचे का तापमान हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसे हमने कह दिया परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आज के लेक्चर में हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर की स्केल्स देखी, उन स्केल्स के आपस में रिलेशंस देखे और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखा। आई होप कि आपको ये 3-4 टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसके आगे के टॉपिक्स की स्टडी हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।